नमस्कार। सागर की मकरोनिया से अपराधों की फेरिस्त अब और लंबी होती जा रही है। हर प्रकार के अपराध मकरोनिया में लगातार सामने आ रहे हैं। एमपी ऑनलाइन की आड़ में दरअसल एक युवक रेलवे के टिकट की दलाली कर रहा था। जी हाँ, मकरोनिया के गायत्री नगर का ये मामला है, जहां पर कंप्यूटर सेंटर से करीब 40,000 रुपये कीमत की रेलवे टिकटें बरामद की गई हैं। हम आपको बता दें कि अनाधिकृत रूप से रेल टिकट बनाने वालों के विरुद्ध रेल सुरक्षा बल द्वारा छापामार कार्रवाई करते हुए दलालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान 38,910 रुपये कीमत के 53 ई रेल टिकटों को भी जब्त किया गया है। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दरअसल पश्चिम मध्य रेल जबलपुर मंडल के रेल सुरक्षा बल पोस्ट सागर द्वारा आरपीएफ उप निरीक्षक सुंदर से एवं सहायक उप निरीक्षक पीपी पांडे और प्रधान आरक्षक राजेश रेखवार एवं आरक्षक जीपी साहू के साथ सूचना के आधार पर मकरोनिया में रेल टिकटों का अवैध कारोबार करने पर उनके विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। टीम द्वारा गायत्री नगर मकरोनिया स्थित डोम कंप्यूटर सेंटर एमपी ऑनलाइन की दुकान को चेक करने पर दुकान संचालक अमित साहू द्वारा रेलवे अधिकृत एजेंट की अनुमति के बिना अपनी 3 पर्सनल यूजर आईडी से ई टिकटों के माध्यम से एक आईडी से 27 ई रेल टिकट तैयार की थी। इनकी कीमत रुपये 19,055 और दूसरी आईडी से 26 ई रेल टिकटें जिसकी कीमत रुपये 18,073 है, इनको जब्ती के साथ पकड़ा गया है। हम आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान एक फिजिकल टिकट जिसकी कीमत 982 रुपये बताई जा रही है। इसी प्रकार आरोपी के खिलाफ दुकान से कुल 53 रेल ई टिकटें कीमत 38,110 रुपये की मिली है। आरपीएफ द्वारा ई रेल टिकटों के प्रिंट एवं कंप्यूटर कीबोर्ड एवं सीपीयू को भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही आरोपी को आरपीएफ पोस्ट सागर पर लाया गया है। उक्त आरोपियों के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत कार्रवाई कर रेलवे न्यायालय में पेश करके कार्यवाही की गई। पश्चिमी मध्य रेल जबलपुर मंडल के आरपीएफ कमांडेंट अरुण कुमार त्रिपाठी ने रेल सुरक्षा बल की टीम को प्रोत्साहित किया और कहा है कि आगे भी ऐसी कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध धरपकड़ जारी रहेगी, लेकिन गंभीर मामला है। लगातार इस तरीके के अपराध बढ़ रहे हैं। हर प्रकार के अपराध अब सागर के उपनगर मकरोनिया में पनप रहे हैं, जिन पर लगाम लगानी होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज।